नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ध्वनियालोक की 13वीं कारिका जिसमें ध्वनि की प्रस्थापना की है, उसमें अभाववादियों का खंडन चल रहा है, जो ये मानते हैं कि ध्वनि का समावेश अलंकारों में हो सकता है। तो पहले तो उन्होंने दोनों को अलग अलग सिद्ध किया कि अलंकार जो हैं वो वाच्यार्थ प्रधान होते हैं, इसीलिए उनको अर्थालंकार कहा गया है, क्योंकि उसमें अर्थ का प्राधान्य होता है। और व्यंग्यार्थ जो है वो तो व्यंजक शब्द से प्राप्त होता है, और व्यंग्यार्थ तभी होता है जबकि शब्द और अर्थ का कोई गांभीर्य ना हो और एक अलग ही अर्थ की प्राप्ति हो रही हो। जब शब्द और अर्थ दोनों गुणीभूत हो जाएं, जब दोनों अपने महत्व का परित्याग करते हैं और वो अन्य अर्थ के द्योतक बने, तो वो ध्वनि होती है। अब इसी संदर्भ में समासोक्ति का खंडन किया था। आक्षेप के बारे में कहते हैं आचार्य आनंदवर्धन, आक्षेपेपि व्यंग्य विशेषाक्षेपिणोपि वाच्यस्यैव चारुत्वं प्राधान्येन वाक्यार्थः। आक्षेपोक्ति सामर्थ्यादेव ज्ञायते। अब देखिए आक्षेप अलंकार क्या है, पहले तो इसको समझ लें। बिल्कुल समासोक्ति के नज़दीक का अलंकार है। यहाँ तक की स्थिति है कि आचार्य वामन ने जिसको आक्षेप का उदाहरण माना है, आचार्य भामा ने उसको समासोक्ति का उदाहरण माना है। तो ये कितने नज़दीक के अलंकार हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्षमाण का कभी निषेध किया जाता है तो उस चीज़ को आक्षेप कहा जाता है। अब जैसा कि एक शब्द से भी इससे आक्षेप जो शब्द है वो भी खुद एक बात को व्यक्त करता है। अगर हम आपसे ये कहें कि आक्षेप शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आप कहेंगे कि जो नहीं है ऐसा कुछ कहा जाए तो आक्षेप है। भाई जो मैं नहीं हूँ, मुझसे उस प्रकार की कोई बात कही जाए मेरे लिए, तो मेरे ऊपर आक्षेप माना जाएगा। तो यहाँ पे मूल जो बात है वो यही है कि आक्षेप अलंकार कब होता है कि जो नहीं है या जो नहीं कहा गया उसको जब व्यक्त किया जाए तो वो आक्षेप होता है। तो ध्वनि में भी तो यही होता है कि जो नहीं कहा जाए वो कह दिया गया, इसी का नाम तो ध्वनि है, इसलिए ध्वनि का आक्षेप में समावेश है। आप सीधी मोटी मोटी भाषा में समझें तो ये इनका कहना है कि व्यंग्य विशेषाक्षेपिणोपि वाच्यस्यैव चारुत्वम्। आचार्य आनंद वर्धन कहते हैं लेकिन यहाँ पे आप जो भी कहते हैं वो वाच्यस्य विचारुत्वम्, उसमें अर्थ का ही चमत्कार होता है, उसमें अर्थांतर का चमत्कार नहीं होता है, उसमें अर्थ का ही चमत्कार होता है। मान लीजिए एक जो भामा ने उदाहरण दिया है उसका भावार्थ मैं आपको कह रहा हूँ, श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन आक्षेप अलंकार जो है, एक नायिका नायक से कहती है कि आपके वियोग में अगर आज आप नहीं आ गए होते तो मैं, नायक तुरंत उसको रोकता है कि बस ठीक है, इतना कह दिया बहुत है, आगे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या, जो उसको ये कहना था कि तो मैं मर ही जाती, अच्छा हुआ आज आप आ गए, नहीं तो आपके वियोग में मैं, इतना वो बोलती है और नायक कहता है कि बस 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 मैं समझ गया हूँ, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए उसने जो रोक दिया है, जो नहीं कहा गया कि मैं मर जाती, ये बात आक्षेप रूप से व्यक्त हुई है, ये अलंकार का चमत्कार है कि ये बात जो है कि मैं मर जाती, ये बात नायिका बोली नहीं है, लेकिन फिर भी नायक की समझ में आ गई है, वो यही कहना चाह रहे थे ये बात, और यही आक्षेप अलंकार है इस जगह पर। तो जो वक्षमाण है उसकी बात, इसी प्रकार से निषेध का भी एक उदाहरण बनता है। तो जब कोई कुछ कह रहा है और जो नहीं कहा गया फिर भी वो बात आपकी समझ में आती है, तो यही बात तो होती है आपकी ध्वनि में, इसलिए आक्षेप में ध्वनि का समावेश हो जाएगा, ऐसा अलंकारिक मानते हैं। तो यहाँ पे आनंद वर्धन का कहना यह है कि भाई आपको ये जो कि मैं मर जाती, ये जो अर्थ आपको प्राप्त हो रहा है ये किससे प्राप्त हो रहा है और ये कौन सा अर्थ है? आप कहेंगे इनके लिए शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है,
लेकिन यहाँ पे भाषा यही प्रयोग की गई कि आज अगर आप नहीं आते तो, अभी जो तो लगाया गया और आज अगर आप नहीं आते तो आपके वियोग में, ये जो सारी बातें हुई वो उसको वाच्य बना के ही आपके साथ रहती हैं, भले शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और यही तो चमत्कार है और इसीलिए तो आक्षेप अलंकार है। तो अगर इस बात में कुछ ऐसा ना कहा गया होता फिर भी ये अर्थ प्राप्त होता कि मैं मर जाती तो वो ध्वन्यार्थ हो सकता था, लेकिन जब वो आक्षेप का क्षेत्र जहां बनता है तो वहां शब्द के द्वारा उस अर्थ को चमत्कृत रूप में प्राप्त किया गया है और यही चमत्कार जो है उसको आक्षेप अलंकार बनाता है। तो जो आक्षेप अलंकार बना है वहां शब्द और अर्थ दोनों का अपना अपना महत्व है। और फिर उसी बात पे आ जाइए कि जब तक शब्द और अर्थ का अपना महत्व बना रहेगा तब तक तो ध्वनि का कार्य क्षेत्र ही शुरू नहीं होता है। ध्वनि तो शुरू ही वहां से होता है जब शब्द और अर्थ में, इस बात को प्रत्येक वीडियो में 5 बार कह रहा हूं क्योंकि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई तो ही आप इन सब का खंडन कर पाएंगे, नहीं खंडन नहीं कर पाएंगे। जब शब्द और अर्थ अपने महत्व का त्याग कर देते हैं, तो अगर यहां पे शब्दार्थ अपने महत्व का त्याग कर देंगे तो आक्षेप अलंकार नहीं बनेगा। आक्षेप अलंकार कब बनेगा? जब ये शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसके आधार पे आपको ये अर्थ प्राप्त होता है, यही तो आक्षेप है। तो आक्षेपोक्ति सामर्थ्यात एव ज्ञायते, ये आक्षेप इसी सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त होता है। तथा ही तत्र शब्दोपारूढ़ो विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेध रूपो या आक्षेपा स एव व्यंग्य विशेषम आक्षेपन मुख्यम काव्य शरीरम। तो भैया इसका और विस्तार से वर्णन करते हैं, चाहे ये वक्षमाण जिसका उदाहरण हमने आपको समझाया, चाहे निषेध रूप में आक्षेप हो। कई बार क्या है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही जाती हैं लेकिन उसका अर्थ निषेध रूप में प्राप्त होता है तो उसको आक्षेप कहते हैं। तो जहां जहां आक्षेप अलंकार होगा वहां मुख्यम काव्य शरीरम, ये काव्य के मुख्यता शरीर यानी शब्दार्थ का ही चमत्कार वहां पे होता है। इसलिए यहां पे किसी भी प्रकार से ध्वनि का समावेश इसके अंदर नहीं माना जा सकता है। चारुत्वोत कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्ययो प्राधान्य अविवक्षा, यहां चमत्कार जो है, जो आक्षेप अलंकार का चमत्कार है उसमें वाच्य और व्यंग्ययो हो प्राधान्यम अविवेक्षा, वहां वाच्य में से व्यंग्य की प्राप्ति हो रही हो इस प्रकार की प्रधानता नहीं है। वहां शब्द में से आपको वाच्यार्थ ही ऐसा चमत्कारपूर्ण मिलता है कि जिससे कि वो आक्षेप अलंकार बन जाता है। इसलिए आप इसको किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे ध्वनि है। एक सुंदर श्लोक दिया है कि अनुरागवती संध्या दिवसस्तत पुरस्सरा अहू दैवगति ही चित्रा तथापि न समागमा। अब यहाँ कहते हैं कि संध्या जो है वो अत्यंत प्रेम करने वाली है और दिन भी जो है ना तत्पुरस्सरा उसके आगे आगे, उसके आगे आगे चलने के लिए हमेशा तत्पर चलता रहता है, लेकिन फिर भी ये देखिए भाग्य की गति कैसी है कि इन दोनों का मिलन कभी नहीं होता। संध्या जो संध्या काल होता है और दिन जो उसके आगे आगे चलता रहता है वो उसको प्रेम करती है, वो भी उसका इतना ख्याल रखता है कि बस उसके रास्ते में कहीं कोई समस्या ना हो इसलिए उसके आगे आगे चलता रहता है। लेकिन ये भाग्य की गति बड़ी विचित्र है क्योंकि फिर भी दोनों का, दोनों एक दूसरे में अनुरक्त हैं, दोनों एक दूसरे का ख्याल करने वाले हैं, फिर भी इनका मिलन कभी संभव नहीं होता। दिन और संध्या कभी मिल ही नहीं सकते हैं भाई। दिन पूर्ण होगा तो संध्या आएगी और संध्या जाएगी तो दिन आएगा, तो फिर भी इन दोनों का समागम कभी नहीं होता है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं अत्र सत्यामपि व्यंग्य प्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्वम् उत्कर्षवदिति तथैव प्राधान्य विवक्षा। अब यहाँ पे आपको अगर ये कहें कि अनुरागवती संध्या यानी कोई एक नायिका है और जो दिवसह
जो दिन रूपी कोई नायक है, यानी एक नायक है और एक नायिका है, नायिका नायक को अत्यंत प्रेम करती है, नायक भी उसका बड़ा ख्याल रखता है, लेकिन ओहो हो ये कैसा विधि का विधान है कि दोनों का मिलन ही नहीं हो पाता है। आजकल के कई सीरियलों में इस तरीके की चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, काव्यों में भी कई बार इसका उपयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी आप कह रहे हैं, आप कहें ये व्यंग्य है, ये व्यंग्य नहीं है। यहाँ आपने संध्या बिल्कुल वही समासोक्ति की तरह की स्थिति है, वहाँ आपने निशा और चंद्रमा का प्रयोग किया था, यहाँ आप संध्या और दिन का प्रयोग कर रहे हैं, परिस्थितियाँ वही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कुछ भी व्यंग्य नहीं है, यहाँ जो कुछ भी प्राप्ति होती है वो एक सुंदर अर्थ मिलता है आपको। भाई अर्थ का भी तो चमत्कार एक चीज है ना। तो यहाँ वाच्यस्यैव चारुत्वम् उत्कर्ष, यहाँ वाच्यार्थ का ही जो चारुत्व है उसी की श्रेष्ठता दिखाई देती है। यहाँ पे प्रतीयमान अर्थ या व्यंग्यार्थ की प्राधान्य विवक्षा नहीं है, उसकी प्रधानता नहीं है, यहाँ व्यंग्यार्थ की प्रधानता नहीं है, यहाँ प्रधानता फिर भी वाक्यार्थ की ही रहती है। इसलिए ऐसी स्थिति में या ऐसी जहाँ जहाँ पे चाहे वो आक्षेप अलंकार की स्थिति हो, चाहे समासोक्ति का पहले विवेचन कर चुके हैं, आगे दीपक अपनुति इत्यादि को भी समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ जो लिखा है हम एक एक शब्द पे ना जाएं, हम थोड़ा सा इनको भी समझा दें। दीपक अलंकार कब होता है? आचार्य मम्मट ये कहते हैं कि सकृद वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृता प्रकृतात्मना, जब अनेक कारकों के लिए एक क्रियापद या अनेक क्रियाओं के लिए एक कारक का प्रयोग हो और वो प्रकृत अप्रकृत उपमान और उपमेय दोनों से संबंधित हो तो वहां दीपक अलंकार होता है। कई उदाहरण है इसके, वहां पे आचार्य मम्मट ने उदाहरण दिया है कृपणा नाम धनम नागा नाम फणमणि केसरा सिंघा नाम कुल बालिका नाम स्तन कुता प्रसन्ति अमृता नाम, कि सिंह की केस राशि, कृपण का धन, नाग की मणि और उत्तम कुल की कन्याओं के स्तनों को उनके जीते जी कौन स्पर्श कर सकता है। अब इसमें चार बातें कहेंगे, चार के लिए एक ही कुता प्रसन्ति स्पर्श एकज क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब ये एक क्रिया चार के लिए है कि कुल बालिका के स्तनों को कौन स्पर्श कर सकता है, नाग की मणि को कौन स्पर्श कर सकता है, सिंह की केस राशि को कौन स्पर्श कर सकता है, या जो कृपण है उसके धन को कौन स्पर्श कर सकता है। अब इसमें कौन उपमान है कौन उपमेय है ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये बात किसी कन्या के स्तनों को लेकर के या किसी कन्या के स्पर्श को लेकर के कही गई है तो बाकी के तीन उपमेय बन जाएंगे, लेकिन अगर किसी कृपण के धन को लेकर के ये बात कही गई है तो वो कृपण उपमान हो जाएगा और ये तीन उपमेय हो जाएंगे। अगर नाग की बात चल रही है और नाग की मणि को लेकर के ये बात कही गई है तो नाग की मणि उपमेय हो जाएगी, बाकी के तीन उपमान हो जाएंगे। तो यहाँ कौन उपमान है और कौन उपमेय है ये निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ उपमेय के द्वारा उपमान व्यंग्य रूप से प्राप्त होता है, यानी उपमान उपमेय के बीच में एक ऐसा संबंध है जो कभी भी कोई उपमान बन सकता है, कभी भी कोई उपमेय बन सकता है। तो ये जो संबंध है ये व्यंग्यात्मक संबंध है कि हम कह रहे एक हैं और उपमान इसमें व्यंग्य रूप से प्राप्त होता है। लेकिन भैया जो कुछ चमत्कार है वो फिर उसी बात पे आ जाइए कि यहाँ भी शब्द और उसके अर्थ का ही चमत्कार है, और जब तक शब्द और अर्थ का चमत्कार बना रहेगा तब तक ध्वनि का कार्य क्षेत्र नहीं आएगा। बहुत सारे श्लोक हैं दीपक अलंकार को लेकर के, खास करके अगर आप नीति शतक उठाते हैं तो उसमें भरत मुनि ने बहुत सारे श्लोक दिए हैं। एक सुंदर श्लोक मणिष साणो लेढ़ा समर विजयी हित निहिता कलासी सचंदरा सुरत मुदिता बाल बनिता मदक्षिणो नागहा सरदी सरिता स्यान पुलिना न निम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थि सुजना। यहाँ पे जो कहा कि न निम्ना शोभन्ते, कि ये इस प्रकार से इनका ह्रास होता है तो क्या शोभायमान नहीं होते हैं? अब यहाँ जो अर्थ है कि नहीं वो अच्छे ही लगते हैं, वो श्रेष्ठ ही है, इस सब चीज से जहाँ ह्रासत्व दिखाया गया है उसमें से उनमें श्रेष्ठता का अभिव्यंजन होता है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे
ये जो अर्थ की प्राप्ति हुई है ये क्या है? ये ध्वनि ही तो है, ये शब्द सा प्रकट नहीं है। लेकिन भैया जब आपने कहा कि न निम्ना शोभन्ते, वो इस प्रकार से क्षीण विभव होने के बाद शोभायमान नहीं होते हैं क्या? तो जब आप ये कहते हैं तो इसका अर्थ स्वयं प्रकट होता है कि हाँ भाई, वो तो और अधिक शोभायमान होते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई बात कही गई है तो शब्द ही उस अर्थ को व्यक्त करने के लिए कारण बना है। व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने के लिए भी शब्द ही कारण बनता है या अर्थ ही कारण बनता है, ये बात है। लेकिन वो शब्द और वो अर्थ अपने अर्थ को गौण बना देता है और व्यंग्यार्थ को श्रेष्ठ बनाता है, तब व्यंग्यार्थ होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अपना अर्थ रहता है और उसकी पूरी पूरी वैल्यू रहती है, और उसके बाद आपको एक अर्थ ये प्राप्त होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं इस स्थिति में जाकर के और अधिक शोभायमान होती हैं, उनकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। इस अर्थ की प्राप्ति दीपक अलंकार के रूप में जो होती है, तो यहाँ पे भी अगर आप ये कहें कि ये ध्वनि है तो ध्वनि नहीं है। यहाँ पे भी वही वाच्य शब्द, शब्दार्थ, वाच्यार्थ, उन सब का एक दूसरे के साथ और वाच्य के चमत्कार का, इन सब का संबंध है। इसीलिए दीपक अलंकार होता है, और दीपक अलंकार है तो ध्वनि नहीं हो सकती है। हम अपनुति को भी समझ लें। अपनुति अलंकार कब होता है? जब उपमान ही उपमेय के रूप में प्रस्तुत किया जाए कि भाई ये चंद्रमा नहीं पर आकाश गंगा में खिला हुआ कमल है। तो यहाँ कल्पना ये की गई कि आप ये कहते हैं उपमेय के लिए कि ये उपमेय नहीं और ये उपमान है, जबकि वो होता तो उपमेय ही, ये उपमान तो नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो आपकी धारणा है ये ध्वनि अर्थ को ही तो व्यक्त करती है। लेकिन भैया जो कुछ आपने कहा है वहाँ शब्द और शब्द के अर्थ का महत्व रहता है, तभी आपको ये चमत्कृत अर्थ प्राप्त होता है और अपनुति अलंकार होता है। विशेषोक्ति में किस प्रकार से हम ध्वनि की परिकल्पना कर रहे हैं और किस प्रकार से ध्वनि नहीं है, इस चीज़ को हम विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसा कि विशेषोक्ति का आचार्य मम्मट ने तो लक्षण इस प्रकार से किया है कि विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचा, लेकिन इसके तीन प्रकार कहे गए हैं विशेषोक्ति के। एक है उक्त निमित्ता, एक है अनुक्त निमित्ता और एक है अचिंत्य निमित्ता। अब इन तीनों में से जो अचिंत्य निमित्ता है उसमें वो कहते हैं कि ध्वनि के लिए स्थान नहीं है, और जो उक्त निमित्ता है कर्पूर विदग्धोपि शक्तिमान योजने जने नमोस्तु अवार्य वीर्याय तस्मै मकर केतवे, यहाँ पे भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अनुक्त निमित्ता जो है उसके उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए यहाँ पे आचार्य आनंद वर्धन कहते हैं कि कुछ विद्वान जो अलंकारिक हैं वो कहते हैं यहाँ ध्वनि का समावेश हो सकता है। किस प्रकार से? तो श्लोक है कि आहू तोपि सहाये ओमित्युक्ता विमुक्त निद्रोपि गंतु मना अपिपथिका संकोचम नैव शिथिलवा, कि भाई मित्रों ने बुलाया सहाये आहूतोपि ओम इत्युक्ता, हाँ उसने जवाब भी दिया, विमुक्त निद्रोपि उसकी नींद भी उड़ गई, एक तरीके से उठ के बैठ गया, गंतु मना भी उसका जाने का मन भी था, लेकिन फिर भी वो पथिक जो है अपने संकोच को नहीं छोड़ पाया और वहाँ से जा नहीं पाया। देखिए सारे कारण मौजूद हैं लेकिन कार्य नहीं हो रहा। भाई पथिक को जगाया गया, अलार्म भी बजा है, और अलार्म ऐसा नहीं कि घड़ी में से बजा कि उसको बंद कर दो, मित्र ने कहा कि अरे भाई उठो, व्यक्ति उठ गया और उठा ऐसा नहीं हूँ, बाकायदा उसने जवाब दिया कि हाँ मैं उठ गया हूँ, उसकी निद्रा भी दूर हो गई, उसको जाना भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी पथिक जो है अपना संकोच छोड़ के जा नहीं पाया। अब ये जो बात यहाँ पे कही गई तो यहाँ जाने के सारे कारण मौजूद हैं लेकिन जाना है और वो जा नहीं पा रहा, ये कार्य नहीं हुआ, इसलिए विशेषोक्ति है, ये तो समझ में आ गई। लेकिन अनुक्त निमित्ता, यहाँ कारण दिया नहीं है, यहाँ कारण नहीं दिया कि वो क्यों नहीं गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो वो नहीं गया इसके जो कारण हैं वो व्यंग्य हैं। तो एक ने ये कहा कि यार ठंडी बहुत पड़ रही थी और ठंडी की वजह से उसने सब जग्या सब हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कौन यार, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए,
आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, और इसलिए वो नहीं गया। एक का ये मानना है कि वो क्यों नहीं गया, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी, और बहुत ज़्यादा ठंडी में अब कौन रजाई में से बाहर निकले हो, कौन जाए। कई बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा, तो नहीं गया। दूसरे का ये कहना है कि भाई जाने के लिए उतना सबल कारण नहीं था। भाई कारण इतना जबरदस्त होना चाहिए कि व्यक्ति चाहे तो भी ना रुक पाए। अगर हमारी ड्यूटी पे, हमारे लिए नौकरी में इस प्रकार का बंधन ना हो कि इतने बजे नहीं पहुंचे तो या तो बॉस बोलेगा या आपको सीएल रख देनी पड़ेगी। वो सारे नियम ना हो तो नौकरी करने वाले भी ठंडियों में तो भैया आलस कर जाए। वैसे भी आप देखते हैं कि ठंडियों में ज़्यादातर लोग 5-10 मिनट लेट ही पहुँचते हैं। तो कारण को इतना मजबूत होना चाहिए, तो बोले उसके पास जाने का कोई मजबूत कारण नहीं था। तो ये बात जो है ये भी व्यंग्य है। या तीसरे ने ये कहा कि भाई वो बड़ा बड़ा सपने देख रहा था और प्रियतमा से उसकी बड़ी अच्छी गुफ्तगु चल रही थी, इसलिए उसने फिर से सोचा कि मैं फिर सो जाऊं तो वो जो मेरे प्रेम का मिलन चल रहा था वो मिलन मेरा एक पूरा तो हो जाए, कम से कम कंटिन्यू तो हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा स्वप्न देख रहे हो और आँख खुल जाए तो दोबारा से व्यक्ति आँख बंद करके उस सपने को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। कई बार हो भी जाता है कंटिन्यू। तो यहाँ जो अनुक्त निमित्ता, जिसका निमित्त नहीं कहा गया है, अब इसका आप जैसे 3 निमित्त आपके सम्मुख मैंने रख दिए, आप और निमित्तों की भी कल्पना कर सकते हैं कि भाई नींद में से व्यक्ति को जगाया गया, व्यक्ति जगा, उसने ये भी कहा कि हाँ मैं उठ गया हूँ, और उसके बाद उसकी जाने की इच्छा भी थी लेकिन फिर भी वो नहीं गया। अब नहीं गया, इसके कारण क्या हो सकते हैं? 3 कारण आपको बताए और कारण आप ढूंढ लीजिए। तो ये जो अनुक्त निमित्ता का ये जो निमित्त है ये व्यंग्य है उनका ये कहना है। तो यहां आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं इत्यादो व्यंग्यस्य प्रकरण सामर्थ्यात प्रतीति मात्र। यहां ठीक है, व्यंग्य की थोड़ी प्रतीति जैसी आप करवा सकते हैं कि हाँ थोड़ा व्यंग्य जैसा लग रहा है, न तु तत् प्रतीति निमित्त, लेकिन उस प्रतीति का निमित्त आप व्यंग्य को नहीं मान। ऐसा कोई व्यंजक शब्द यहाँ पे आहूतोपि सहायी ओम इत्युक्ता विमुक्त निद्रोपि गंतुमना अपि पथिका संकोचम नैव शिथिल्यात, इस पूरे श्लोक में एक भी ऐसा व्यंजक शब्द आपने प्रयोग नहीं किया है जो कि इस अर्थ को व्यक्त कर रहा हो। अगर आप ऐसे किसी शब्द का, क्योंकि वहाँ व्यंजक शब्द का होना बहुत जरूरी है या व्यंजक अर्थ का होना जरूरी है, तो यहाँ पे उनमें से कोई चीज नहीं है। तो ये जो प्रतीति आपको हो रही है इसका कोई निमित्त, जो व्यंजक निमित्त है, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। कच्ची चारुत्व निष्पत्ति रीति ना प्राधान्य। और आप देखिए यहाँ पे जो आप विशेषोक्ति अलंकार देख रहे हैं ना कि ये कारण नहीं, ये कार्य नहीं हुआ, इसके पीछे का जो अनुक्त निमित्त है, जो कारण आप ढूंढ रहे हैं, वो कारण कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विशेषोक्ति अलंकार तो विशेषोक्ति अलंकार ही रह रहा है, तो वो कोई उसमें चारुता नहीं लाता, उसमें कोई चमत्कार नहीं उत्पन्न करता। मान लीजिए आपने एक निमित्त माना, मैंने जो दूसरा बताया आपने वो निमित्त माना हो, या मैंने जो बताया तीसरा निमित्त आपने माना हो, कोई भी निमित्त मान लें, विशेषोक्ति अलंकार पे क्या फर्क पड़ेगा? आप विशेषोक्ति अलंकार के रूप में ही रहता है। तो ये जो कुछ प्रतीति आपको थोड़ी व्यंग्य जैसी लगती है वो प्रतीति मात्र है, वास्तव में वो व्यंग्य की स्थिति नहीं है, क्योंकि ना तो उसके निमित्त यहाँ पे मौजूद हैं और जो निमित्त दिए गए हैं वो वाच्यार्थ को ही श्रेष्ठ बनाने के लिए दिए गए हैं, न कि व्यंग्यार्थ को श्रेष्ठ बनाने के लिए। इसलिए विशेषोक्ति में भी या अनुक्त निमित्त विशेषोक्ति में भी किसी भी तरह से ध्वनि नहीं होती है, उसमें भी ध्वनि का समावेश नहीं हो सकता है। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए। आप लोग हमारे वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन उन वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं। वैसे इससे न तो कोई धन बनता है, ना इनसे कोई अन्य लाभ हैं, लेकिन ये लाइक्स जो हैं ये लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये वीडियो
कितने लोगों ने देखा, उसमें से कितने लोगों ने लाइक किया, इससे ये व्यक्ति तय करने लग जाता है, उसका मूल्यांकन करता है कि कितना महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अगर आप लाइक करते हैं तो दूसरों के लिए आप मार्गदर्शक बन सकते हैं। मुझे उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को इस चीज़ का बड़ा लाभ मिल सकता है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।